इलाज तो इलाज तो राखी तलक नहीं देखा था भाई। हाँ बला नहीं है, बला को देखा तलक नहीं है। जब घर से निकली का बोली नहीं है तो वो YouTube में दिखाया था। देख खिड़की खिड़की झांक के का बोली सो है, बोलते कि मैं सबके इलाज करूँ। हाँ। सबके करूँ मगर काकर हुई काकर नहीं पता नहीं, थोड़ा सा पब्लिक जमा हुई खत्म हुई अपन। दस बजे निकला थे, दस बजे निकला थे, एक घंटा बैठा थे, ग्यारह बजे बीस जन के लटपट इलाज करा, आधा घंटा बैठी, एक घंटा बैठी, फिर अपन घर में घुसे, ओकर बाद फिर एक घंटा में निकली, तब का इलाज कर इसने में। तो दीदी आप मन कहाँ से हरो? हमन भेंडरी रहन, राजी धमतरी जिला खरन हमन, और भेंडरी गांव रहन राजीम के पास में। अब हमन चार दिन हो गए यहाँ, और चार दिन हो गए माँ की यहाँ आए के बाद कुछ काम नहीं हुए, नहीं हुए है। बाबा जगह जाथन, बाबा बस पाँच मिनट दस मिनट बैठे उठ के अपन घर वापस चल गए। तो का जी बरबलाई हुई बाबा, यहाँ इलाज करे बरबलाई की आदमी बिल हो रहे बरबला। तो कैसे पता चली यहाँ के बारे में? हाँ मना वही यूट्यूब ला देख के आया, यूट्यूब ला देख के आया। हाँ। चार दिन हो गया है, चार दिन हो गया है। का समस्या हो? गंदगी होते के सब तालाब उलाब नहाए जाता हम, कहीं के मन सब गाड़ी गलौज करते। हाँ। वो बला है तो गंदगी हो बेच करी, जब ते चार चार दिन लही है रोके है, तब खाना पीना खात है तो हाँ। गंदगी हो बेच करी, काला नहीं हुई है। हाँ। समय बता भाई, एक दिन में कर सकत चाहे दो दिन में कर सकत, समय बतावे ते हिसाब से आही। बाकी आवा था कुछ इलाज पानी नहीं हुआ, यहाँ आवा था मतलब सब गांव के मन गाली गलौज करा थे, तो काबर गाली गलौज करे, ओकर घर में जाए और वो जे बला के गाली गलौज करे। तो अभी नहीं आए? अभी नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। मैं बस्तर ले आया हूँ, बस्तर ले बहुत देख के ही आया हूँ, कहा है सच्चाई यहाँ के। घर क्या है वो? लेकिन हमारे पोलिया वाला कहाँ है? छिये तालुक नहीं है, कहाँ है? देखे नहीं है, और है हमारे पोलिया वाला लड़का, नाम से पांच साल के लड़का है, लेकिन एकदम अजूझन घूमगा, गाड़ी में पड़े, गाड़ी में चल नहीं पायो, गाड़ी में ही जो करना है सब गाड़ी में, वो कैसे टाइप से तकलीफ झेलत हुई आप समझ सकते हो? गूंगा में बोलवा हूँ ऐसे की समान तीर में ले गए, मात्र कान बस रहे, कहीं फूकी से ना सुनावाते ना बोलत, तब विश्वास कैसे करबो हमन है? अभी विश्वास करके वहाँ तक लाया है भाई, बाद में देखा था विश्वास करके लाया के नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन स्टेट ब्लॉगर पर। दोस्तों आज मैं हूँ कवर्धा से लगभग 30 किलोमीटर के दूसरा आसपास सिलाटी, और सिलाटी में एक जाना जाता है कि यहाँ पर एक बाबा जी है, सिलाटी वाले बाबा जी। वहाँ वीडियो जो है, एक्चुअली मैं जब बस्तर में था तो वहाँ पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, उसमें बताया गया था कि जो बच्ची जो है वो बोल नहीं पाती है, तो यहाँ पर आकर उसको इलाज बिल्कुल बिना इलाज के यहाँ पर बोलना सिखाया जाते हैं, ऐसा कुछ है वायरल है। और क्या है सच अभी तो बाबा जी आएगा फिर पता चलेगा क्या है इसका सच्चाई, अभी हम लोग देखते हैं, रुकते हैं। और चारों तरफ मेरे देख सकते हो भाई साहब कि पूरा पीछे तरफ इधर भीड़ ही भीड़ नजर आ रहा है। मैं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं, पूरा गाड़ी का यहां भरमार लग गया। एक्चुअली हम जा रहे थे कवर्धा, और कवर्धा के बीच में पूरा ऐसा लग रहा था कि कुछ मेला टाइप का हो रहा है ऐसा करके, तो हमने रुका और देखा कि यहां पर कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार जैसे किया जाता है। तो अभी तो हम मिले नहीं हैं, एक्चुअली आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कहाँ से हो दीदी? कौन गांव के? बरदुली कथी है? बारात वाला जानता है? जिला बारात वाला नहीं, जांजगीर। आज आए हो? कल के आए, कल के मिली सो? नहीं मिले, यदि क्या रही तो अभी यही नहीं इतना का उतरे उतार नहीं सके गाड़ी लगे। हाँ नहीं सका था कहाँ रहेंगे? अच्छा वीडियो बना सका था? बना सका था। तो ये दीदी है, ये चल नहीं सकती, तो उसके इलाज करवाने के लिए आए हैं, दो दिन हो गया इन लोगों ना, सोने का व्यवस्था खुद का रहता है। सात बजे तक बैठे चौबीस घंटा। चार दिन हो गए आए, तो के बार मिले हो? चार दिन हो गए आए, एक बार बस मिले हैं, वहूं में ढंग से मिले, आधा जन मिले, आधा जन मिले, आधा जन चार दिन मिले। अच्छा।
बस जाथन आवाथन हम अभी मन कुछ बोला तेरे बताओ ना हो के जाथन ओकर तीर में नरियल ल धर के ओ ढकेली ढकेल जे मन पाछे आते मन ढकेल के पहुंच जाते हम आपसी का जाथन ओकर बाबा से भेटे नहीं होए हां एक साथ हां ओकरे साथ चाय गाड़ी मा हन 10-15 जन अच्छा बताओ ना। तो दोस्तों अभी दो व्यक्ति मिले हैं, ये दोनों बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो दोनों की इलाज करवाने के लिए आए हैं और लगभग 4 दिन हो गए इन लोग को आए, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इन लोग अभी देखोगे कि यहाँ पर ही स्टॉल लगा कर यहीं पर ही रहने की व्यवस्था किए हैं। और गांव में जैसे कि आप इन लोग नहाने जाते तो बोलते हैं कि गंदगी होता है ऐसे करके, है ना। लेडीज संकाली झगड़ा हो गई, हाँ हाँ नहाल गए रहती हैं, गाड़ी का लोग देख रही थी, झगड़ा सन हो गई, हाँ हाँ गाँव वाले भी नहीं है भैया कि कोई बाहर से आए मेहमान आए हैं तो कुछ हमूमन समझ के चले, मतलब मात्र अपन से मतलब है, हमारे घर के आगू मैसे हो तो हमारे घर के आगू मैसे हो। तो तू मना है का समस्या लेके वही सब समस्या है नहीं का। कहाँ से हो दीदी, कहाँ से हो? नया रायपुर। कितना दिन हो गया है? कल आए हो? कहाँ समस्या लेके आए हो? तो कैसे पता चली सिंह के बारे में? अच्छा हाँ देख लो भाई, इतना सारा गाड़ी 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 पूरा लगभग इन लोग 2-3 दिन से यहाँ पर आकर रुके हुए। और लेकिन वहाँ जो बरगद के पेड़ दिख रहा है वहीं पर सबका समस्या का समाधान करते हैं। एक्चुअली तो अभी आए नहीं है, आएगा फिर दिखाएंगे। ये है सिलहाटी वाले बाबा की अभी सच्चाई। YouTube में तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसा इलाज हो जाता है करके, लेकिन अब जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर काफ़ी निगेटिविटी बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। इन लोग तो अपने समस्या बता रहे हैं, लगभग 4 दिन हो गए आ रहे करके बोल रहे हैं, लेकिन इन लोग को समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी देखते हैं और 1-2 घंटा रुकते हैं, आते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद निकलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो खाना बना रहे भैया? हाँ। कहाँ से हो? हम लोग बिलासपुर से। बिलासपुर से कितना दिन हो गया है? 2 रोज। 2 दिन हो गए। तो ये भैया लोग का यहाँ पर खाना बना रहे हैं, क्या समस्या भैया आप लोग को? हाँ अभी नहीं कर रहे हो इलाज? अभी तक नहीं हुआ भाई। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो 2 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले हो? नहीं मिले। हाँ। क्या लगता है ठीक हो पाएगा? कोई आशा से तो आया है कि ठीक हो जाएंगे कहते। हाँ। ठीक नहीं होगा कि नहीं होगा वो तो परमात्मा जानेगा भाई। यूट्यूब में ऐसे काफ़ी ज़्यादा ही वायरल कर दिए यहाँ सिलहाटी वाले बाबा के नाम से। और यहाँ पर एक्चुअली जो भी आए हैं वो लोग तो बहुत अभी गुस्से में है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मिले भी नहीं है, और गाड़ी तो आते ही जा रही है। एक्चुअली मैं आपको मेन रोड में भी जाकर दिखाऊंगा कि कैसे किस प्रकार से वहाँ भी इतना सारा भीड़ लगा है। Thank you.
ये है मेन रोड, यहाँ से जाते हैं पंडरिया बिलासपुर और पीछे तरफ से कवर्धा। तो यहाँ पर पूरा होटल जैसे सुविधा उपलब्ध हो गया है, बाकी सब आदमी लोग तो आ ही रहे हैं और इधर भी तो पूरा ऐसी दिख रहा है भाई। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सिलाटी वाले बाबा जी के घर। वहाँ पास एक्चुअली काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन वहाँ उसके घर के पास ही भीड़ लगे रहते हैं। तो देखिए और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब वहाँ पर गया तो सभी लोग बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाओ करके। काफ़ी लोग तो मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे वीडियो बनाए हो करके, इसलिए मैं लुका छुपी करके वीडियो बना रहा हूँ। अगर जब कुछ डर कुछ अच्छा कर रहे हो तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यही वो जगह है बरगद के पेड़ के नीचे बाबा जी आते हैं और जिसका भी समस्या रहता है उसका समाधान करते हैं, ऐसा सभी लोग का कहना है। लेकिन जब मैं गया तो उस समय बाबा जी तो नहीं आ पाए थे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।